Hello guys, welcome to my channel Smart Learning Academy. This is the part 2 of lecture RDT. In this video tutorial, I am going to discuss about the various enzymes used in recombinant DNA technology. So let's see what are those enzymes which is specifically used in recombinant DNA technology. So basically there are 4 types of enzyme used in recombinant DNA technology. The first one is DNA polymerase, second one is nuclease, third one is ligase, and fourth one is end modification enzymes like alkaline phosphatases, kinases, and varial terminal transferases. DNA polymerase, what DNA polymerase does, as the name suggests, polymerase yani number of units ko banata hai ye. DNA polymerase hai to kiske units ko banayega, DNA ko. So DNA polymerase can be of two types, DNA dependent and RNA dependent. DNA dependent मतलब जो टेम्पलेट DNA होगा, जो टेम्पलेट DNA होगा जिससे कि DNA सिंथेसाइज हो रहा है, वो टेम्पलेट DNA अगर DNA हुआ तो वो पॉलीमरेज कैसा हुआ, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. टेम्पलेट DNA DNA है और उससे बना क्या रहा है, DNA, ठीक है. ऐसे पॉलीमरेज एंजाइम्स को बोलते हैं DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम. अगर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज की बात करते हैं तो अगर RNA है, ठीक है, यहाँ पे RNA सीक्वेंस है, RNA से अगर DNA बन रहा है तो वैसे एंजाइम्स को बोलते हैं RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, द एग्जांपल ऑफ DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज इज DNA पॉलीमरेज 1 जो कि ईकोलाई से पाया जाता है, ठीक है. इसका क्लीन आउट फ्रेगमेंट बेसिकली यूज किया जाता है किसमें, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में. और व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है. द सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम इज न्यूक्लियस, ठीक है. न्यूक्लियस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सो न्यूक्लियस एंड इंडो न्यूक्लियस, ठीक है. हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या है और इनका फंक्शन क्या है. फोर्थ वन इज लाइगेजेस एंड फिफ्थ इन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स, ठीक है. द फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम्स यूज इन द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज DNA पॉलीमरेज. DNA पॉलीमरेज यूज होता है. Three type of DNA polymerase can be used for the recombinant DNA technology. First is DNA polymerase 1, जैसा कि मैं बता चुका हूँ ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है, ईकोलाई से. दूसरा है टैक पॉलीमरेज. टैक इसका जो पहला टर्म है दैट इज थर्मस, उसके स्पीसी जीनस से आता है थर्मस. एंड ए क्यू इज कम्स फ्रॉम द स्पीसीज एक्वेटिकस, ठीक है. टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से निकाला जाता है. और तीसरा जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. पहला जो है वो है इट हैज़ 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है. इट हैज़ 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी. दैट मीन्स कि ये डीएनए सिंथेसिस किस डायरेक्शन में करेगा, 5' से 3' के डायरेक्शन में. और इट हैज़ ऑल्सो वॉट 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है. प्राइमर रिमूवल का काम करता है ये, ठीक है. एक्सोन्यूक्लियस अगर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस है तो, ठीक है, वो प्राइमर रिमूवल का काम करता है. एंड थर्ड जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, वो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है. 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी विच इज़ यूज फॉर द प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब होता है कि अगर जस्ट सपोज एक डीएनए सीक्वेंस है, इसके इस जगह पे अगर ए है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस ट्रेंड में क्या आना चाहिए, यहाँ पे टी आना चाहिए. और इसकी जगह गलती से अगर सी हो गया, ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है, ये जो पार्ट होता है बेसिकली डीएनए पॉल वन का 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, ये रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पे मिसमैच तो नहीं हुआ है, ठीक है. तो ये प्रूफ रीड करता है और मिनिमाइज करता है किसको, मिसमैच को, और म्यूटेशंस को रिमूव करता है, ठीक है. सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1. डीएनए पॉलीमरेज कैन बी डीएनएज और आरएनएज, ठीक है. मतलब क्या है कि ये डीएनए को भी एज ए टेम्पलेट यूज कर सकता है या आरएनए. सो डीएनए पॉलीमरेज हैज डीएनएज और आरएनएज एक्टिविटी एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिकॉज इट हैज़ द 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दैट इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ओके. द सेकेंड टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड, दैट इज टैग पॉलीमरेज.
टैग पॉलीमरेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस, दैट इज यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया है ये, थर्मस एक्वेटिकस, जैसे कि थर्म, इसका नाम ही है थर्मस, एंड इट इज़ अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया, बहुत ही हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में पाया जाता है। तो जो एंजाइम होता है टैक डीएनए पॉलीमरेज, इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द पीसीआर रिएक्शन, ठीक है, पीसीआर रिएक्शन वेरी हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, तो पीसीआर रिएक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है टैक पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल होता है। इसमें जो लैग करता है वो क्या लैग करता है, ये पॉइंट 3' टू 5' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट होती है, ठीक है, 3' टू 5' न्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट होती है, दैट मीन्स इट हैज़ नो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है, इसमें जो प्रूफ रीडिंग है वो नहीं होता है, ठीक। और इसकी जो ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है इस एंजाइम की, वो किस टेम्परेचर पे होती है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड इट हैज़ 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। बाकी जो 5' टू 3' पॉलीमरेज एंड 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, बट जो 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैग पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज वन, ओके। द थर्ड टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूँ, इट इज़ द आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब इसका टेम्पलेट क्या होगा, आरएनए होगा, आरएनए है तो क्या चाहिए, प्राइमर, ठीक है, प्राइमर चाहिए, प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर आर द शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस व्हिच इज़ यूज्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन और एनी फंडामेंटल प्रोसेस, ठीक है, और इसके पास सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, 5' टू 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, बाकी इट जिसके पास जो दोनों एक्टिविटी होती है 5' टू 3' एंड 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। सो इट इज़ द एंजाइम विच इज़ यूज फॉर द डीएनए पॉलीमरेशन, ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। सो दिस इज़ द बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएस मतलब किसको ब्रेक करता है, न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली न्यूक्लिक एसिड किस बॉन्ड से बने होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बने होते हैं, तो न्यूक्लिएजेस किसको ब्रेक करेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब न्यूक्लिएजेस हैं तो उनका टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट के बेसिस पे न्यूक्लिएजेस कई पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, दैट मीन्स इट कैन बी हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड होगा, और कट क्या करेगा, वो डीएनए या आरएनए में से किसी एक को कट करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस का टारगेट डीएनए सिर्फ हो सकता है, ओनली डीएनए, और ओनली आरएनए भी हो सकता है, या बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। दस अकॉर्डिंग टू द साइट, न्यूक्लियस के साइट के बेसिस पे न्यूक्लियस को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, कि साइट या तो डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, या बोथ, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी के बेसिस पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट वन इज इंडो न्यूक्लियसिस एंड सेकेंड वन इज एक्सो न्यूक्लियसिस। इंडो मीन्स इफ देयर इज अ डीएनए सीक्वेंस, अगर डीएनए सीक्वेंस है तो उस डीएनए सीक्वेंस में वो एंजाइम कहाँ कट करेगा, इनसाइड द डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, उसके एंड्स पे, या तो 5' एंड्स हो या 3' एंड्स हो, एंड पे कट नहीं करेगा, उसके इनसाइड पे कट करेगा, ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, इंडो न्यूक्लियसिस, ठीक है। और वैसे एंजाइम अगर यहाँ पे 5' है, ठीक है, और यहाँ पे 3' है, अगर वो 5' और 3' से अगर आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो उसके पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हो, जैसा कि मैं बायोकेमिस्ट्री में आप देख चुके होंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे कट करते हैं एक्सो पेप्टिडेजेस या एंडो पेप्टिडेजेस, तो वैसे एक्सो न्यूक्लियेजेस होता है जो फर्स्ट एंड से पहला जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर रहा हो, तो इसके बेसिस पे या तो ये 5' टू 3' हो सकता है, या 3' टू 5' हो सकता है, इस एंड को कट कर सकता है या इस एंड को, ठीक है। तो उसके बेसिस पे एक्सो न्यूक्लियेजेस दो तरीके के होते हैं, 5' टू 3' एक्सो न्यूक्लियेजेस एंड 3' टू
5 prime exonucleases. On the basis of nuclease action, nucleases can be divided into two parts. First one is random and second one is sequence specific. रैंडम मतलब इसका जो एक्शन होगा वो रैंडम होगा, और दूसरा होता है सीक्वेंस स्पेसिफिक, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉर देयर एक्शन. ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे कि एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन इंड्यूस्ड न्यूक्लियस, वो क्या होता है, वो सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो लेट्स सी वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूक्लियसेस. These are the some examples of nucleases. The first one is RNase H. ठीक है, RNase H की बात करें तो टारगेट कैसा होता है इसका, हाइब्रिड DNA टारगेट होता है. RNA और DNA का टाइप हाइब्रिड होता है, उस पर टारगेट करता है, और कट किसको करता है, सिर्फ RNA को कट करता है. RNase H बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, cDNA लाइब्रेरी क्रिएशन में. हम cDNA भी देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में. तो cDNA लाइब्रेरी जब बनाया जाता है तो उसके क्रिएशन में RNase H यूज होता है. जब कॉम्प्लीमेंट्री RNA से DNA की सिंथेसिस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, और वहाँ से RNA का डिग्रेडेशन होता है. ठीक है, द सेकेंड न्यूक्लियस इज DNase 1. DNase नाम से पता चला DNase है तो DNA पैक करेगा. कौन सा DNA, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है. और इसका जो एक्शन होता है वो कैसा होता है, रैंडम एक्शन होता है. ठीक है, इट डजेंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक सिक्वेंस फॉर देयर एक्शन. थर्ड वन इज मंग बीन न्यूक्लियसिस. मंग बीन न्यूक्लियस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट से किया जाता है. ठीक है, एंड इसका टारगेट DNA या RNA दोनों हो सकता है. और ये किसको कट करता है, सिंगल स्टैंडर्ड को कट करता है सिक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में. ठीक है, सिक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में कट करता है और सिंगल स्टैंडर्ड DNA को कट करता है, DNA या RNA याद रखे रहिएगा. ठीक है, कई बार ये मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक, S1 इंडियो न्यूक्लियस कहाँ से होता है ये, ठीक, एस्परजिलस और IG से पाया जाता है. ठीक, और ये क्या करता है, सिक्वेंस स्पेसिफिक सिंगल स्टैंडर्ड DNA न्यूक्लिक एसिड को, DNA या RNA. ठीक है, S1 जो इंडियो न्यूक्लियस होता है ऑल्सो कट विद इन द निक प्रेजेंट इन डबल स्टैंडर्ड DNA. वैसे तो सिंगल स्टैंडर्ड को कट करता है, बट अगर कोई निक प्रेजेंट होता है, निक क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ DNA. जैसे सपोज कि अगर ये डबल स्टैंडर्ड DNA है, अगर कोई ब्रेक हो गया, कोई बेस पेयर डिलीट हो गया, यहाँ इसको बोलते हैं निक. ठीक है, ऐसे ब्रेकेज को डबल स्टैंडर्ड DNA में, उनको निक बोलते हैं. अगर निक प्रेजेंट है डबल स्टैंडर्ड DNA में तो S1 इंडोन्यूक्लियस उसको भी कट करेगा. द फोर्थ बेसिकली फिफ्थ न्यूक्लियस यूज इन द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज RNase A. ठीक है, नाम से पता चला है किस पे एक्ट करेगा, RNA. किस टाइप के RNA पे, सिंगल स्टैंडर्ड. ठीक है, और कट किसको करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को. कहाँ पे, पिरिमिडीन. अगर दो पिरिमिडीन के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, दो पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन बेसिस कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन. दो पिरिमिडीन के बेसिस के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है क्या, RNase A. ठीक है, सो दीज आर द न्यूक्लियसेस यूज इन द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, और इस वीडियो को शेयर करिए अगर आप इस, ताकि जो जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ये वीडियो पहुँच सके. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.